अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिज़ान अली है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो हमारी है 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस वीडियो में हम देखेंगे कोटली लोहाना और उसके अहले यानी इलाका ने 12 रबीउल अव्वल कैसे मनाया और उन्होंने क्या क्या अहतमाम किया। तो चलते हैं इस वीडियो में कोटली लोहाना। ये हमारी गली है, लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और काफ़ी अच्छे से हमारी गली को सजाया है माशाल्लाह। जी ये हम पहुंच चुके हैं बुलोवाल मोहल्ला, ये कब्रिस्तान के पास है। ये हर साल माशाल्लाह बहुत अच्छे से एहतमाम करते हैं, बहुत अच्छा ये बनाते हैं। इस दफ़ा भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा है। इन्होंने हर दफ़ा इनको इनाम भी मिलता है, इस दफ़ा भी शायद इनको इनाम मिले। काफ़ी अच्छी इन्होंने मेहनत की है, काफ़ी प्यारा इन्होंने बनाया है। और इस दफ़ा इन्होंने खाने का भी साथ एहतमाम किया है, लंगर शरीफ का भी एहतमाम किया है। जलेबियाँ दे रहे थे, काफ़ी अच्छी है मैनेजमेंट है इनकी। ये नवीद भाई हैं और इनके साथ उनके साथी हैं, काफ़ी ज़्यादा जितने भी लोग आ रहे हैं सबको ये ताज़ा जलेबियाँ गरम गरम दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका। काफ़ी अच्छी मेहनत से ये कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डाक खाने वाली गली है जो उधर, काफ़ी ज़्यादा ये डिस्पेंसरी के सामने एक घर है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हलवा पूड़ी ये कर रहे थे, हलवा पूड़ी बांट रहे थे, ये सबको दे रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रश भी था और गली भी इन्होंने बहुत प्यारी माशाल्लाह सजाई है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छा एहतमाम किया है। हलवा पूड़ी इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये जो बना रहे हैं हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा कोट में इनकी फेमस है। वो औसत भाई हैं हमारे असद शाह साहब हैं, शाह स्वीट हैं इनकी, बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं ये। काफ़ी अच्छी इनकी हलवा पूड़ी भी काफ़ी फेमस है इनकी, बहुत अच्छी ये बनाते हैं। हम उसी गली में थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी इन्होंने ये गली बनाई है, काफ़ी प्यारा इन्होंने कारपेट वगैरह सारा किया था, बहुत प्यारी गली इनकी लग रही थी। कोटली में कहने के सबसे ज़्यादा प्यारी यही मुझे लगी है फ़िलहाल। ये टावर है जो हम उसके पास आ गए हैं, ये हर दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लंगर का अहतमाम करते हैं। इस दफ़ा इन्होंने जलेबियों का अहतमाम किया है, पिछली दफ़ा भी इन्होंने किया था। काफ़ी ये रोक रोक के सबको दे रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, सबके लिए गरम गरम ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ लेके आ रहे हैं। कोई ममनू नहीं है, चाहे आप उसको पैक करें, चाहे उसको आप घर ले कर जाएँ, उधर खाएँ, कोई इशू नहीं है। इधर आप ले कर जाना चाहें आप ले कर जा सकते हैं। ये हम जब हवेली की तरफ से आते हैं उस तरफ आके जो आगे चौक बनता है जिधर दूध दही वाली शॉप भी, हम उधर पहुंच चुके हैं। आगे सारा बाज़ार भी इसी तरह सजा हुआ है, बहुत प्यारा इन्होंने भी सजाया है अपनी सारे जितनी भी रोड है, बहुत प्यारी इन्होंने सजाई है, पूरा बाज़ार ही ऐसे सजा हुआ है आगे तक। ये हम बाज़ार वाली तरफ से, अब हम जो LZ वाली गली है, लर्निंग जोन स्कूल वाली गली है, उधर जा रहे हैं। ये उधर इन्होंने सजाए हुए है अपनी गली, काफ़ी इन्होंने भी प्यारा बनाया है। ये
LZ के बाद हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, जो LZ की तरफ से आगे आके राइट साइड पे गली मुड़ जाती है। ये बहुत प्यारे, इन्होंने सारा इनका जितना भी रोड था वो बहुत प्यारा रोड है। ये आगे जाके वो चौक के पास जो रोड निकलता है वो वाला रोड है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी मेहनत की है माशाल्लाह, और इससे पता चलता है इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये घर भी बहुत प्यारा लग रहा था, काफ़ी इन्होंने भी लाइटिंग की है। ये हम एक हवेली टाइप बनी थी उसके अंदर इन्होंने सारा इहतमाम किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी मेहनत की थी, प्यारा लग रहा था इनका भी ये सारा सिस्टम। ये अभी हम जो जानवर वाला हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ते में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। काफ़ी प्यारा इन्होंने भी बनाया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने भी, बहुत प्यारा लग रहा था इनका भी सिस्टम जितना भी इन्होंने तैयार किया था ये। अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, जो इधर परफॉर्मेंस होती है बारह रबी अव्वल के ऊपर वो देखें। इमरान खान साहब अपनी ट्रॉफी वसूल करते हुए, इसके परफॉर्मेंस देखने बाद हम आ गए हैं, अब मेन रोड के ऊपर आ गए हैं। ये जो एक स्टोर है हम उसकी तरफ गए हैं, इन्होंने ये बनाया है अपना सारा स्टेज बनाया है, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।